हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, दोस्तों आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन भी चाइना की हरकतों से नाराज, दे डाली है सीधी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, क्या चेतावनी दी है चाइना को, बताएंगे दोस्तों आगे की खबर में। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कंगाल पाकिस्तान को अब ADB का है सहारा, इमरान सरकार को 73,000 करोड़ रुपए का देगा कर्ज, बताएंगे पूरी बात। उससे आगे बताएंगे दोस्तों जहां रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भारत की अटकलें तेज, जो बाइडेन लगा सकता है कड़े प्रतिबंध, बताएंगे दोस्तों जहां जो बाइडेन रूस से S-400 खरीदने पर भारत की खिलाफी कर सकता है, दोस्तों बताएंगे पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार खत्म कराने के शी जिनपिंग के बयान पर उठ गए हैं सवाल। साथ ही जो बाइडेन ने सरकार में आते ही सऊदी अरब और UAE को दे दिया है बड़ा ही तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, साथ ही लाल किले पर झंडा फहराने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां पर खालिस्तानी झंडा फहराने का था इनपुट, बताएंगे पूरी खबर क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन भी चाइना की हरकतों से नाराज, दे डाली है सीधी चेतावनी। बता दे चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की विस्तारवादी गतिविधियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर दी है। चीन के विवादित क्षेत्रीय दावों पर अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान का समर्थन किया है, जो बाइडेन ने टॉप अधिकारियों से चीन और उत्तर कोरिया सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और जापान के रक्षा सचिव के बीच भी चीन की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई है। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि अमेरिका क्या कदम उठाता है चाइना के खिलाफ। इससे जुड़ी जो भी खबरें आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां कंगाल पाकिस्तान को अब है ADB का सहारा, इमरान सरकार को 73,000 करोड़ रुपए देगा कर्ज। जी हां दोस्तों, इस भूखे नंगे कंगालिस्तान अपने देश में गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है दोस्तों, इसका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। बची खुची पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कमर कोरोना वायरस ने तोड़कर रखी डाली है। कंगाली की दहलीज पर खड़े इस आतंकिस्तान को एशियाई विकास बैंक यानी ADB अगले 5 साल में 73,000 करोड़ रुपए यानी करीब $10 बिलियन का कर्ज देगा। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, जो अपने महाद्वीप के देशों को कर्ज मुहैया कराता है। ऐसे में दोस्तों, इस भूखे नंगे कंगालिस्तान को आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और दो अच्छे सुझाव जरूर दे दीजिएगा दोस्तों इमरान खान को। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कराने के शी जिनपिंग के बयान पर उठ गए हैं सवाल। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस बयान ने दक्षिण पूर्व एशिया में कयासों का दौर गर्म कर दिया है कि वे कोरिया प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त कराना चाहते हैं। इसका व्यवहारिक मतलब है कि उत्तर कोरिया को अपने परमाणु हथियार खत्म करने के लिए राजी किया जाए। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश लंबे समय से इसी मकसद के लिए सक्रिय रहे हैं। उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की वजह से उस पर प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए उत्तर कोरियाई नेता किम ऑन जुंग से मुलाकात भी की है दोस्तों, लेकिन ट्रंप किम से परमाणु हथियारों के खात्मे का वादा लेने में नाकाम रहे। इसीलिए अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जहां ट्रंप नाकाम रहे, क्या उस मुद्दे पर शी जिनपिंग सफल हो पाएगा। जी हां,
दोस्त आपका क्या मानना है इसके जवाब में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन सरकार में आते ही सऊदी अरब और यूएई को दे दिया है बड़ा झटका। बता दें अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने सऊदी अरब और यूएई को बड़ा झटका दिया है। जो बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को सऊदी अरब और यूएई को हथियार बेचने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान सऊदी अरब और यूएई को आधुनिक हथियार बेचने के लिए हुए अरबों डॉलर के समझौते को मंजूरी दे दी गई थी। सरकार अब इस फैसले की समीक्षा करेगी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि दोनों देशों को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है ताकि नए नेतृत्व को इसकी समीक्षा करने का मौका मिल सके। प्रवक्ता ने कहा है कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है और इससे प्रशासन की पारदर्शिता और सुशासन को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर होती है। ऐसे में दोस्तों जो बाइडेन सरकार के इस कदम की आप सराहना करते हैं या फिर विरोध करते हैं दोस्तों, जो भी करते हैं कमेंट सेक्शन में कारण के साथ लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर, जहां 20 दिन पहले लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने का था इनपुट, अधिकारियों ने की थी इसको लेकर बड़ी बैठक। बता दे दिल्ली के गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के लिए राजनेता खुफिया विभाग की विफलता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो वहीं सूत्रों के अनुसार जनवरी के पहले हफ्ते में विशेष खुफिया निदेशक ब्यूरो की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समन्वय बैठक में लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के इरादों की जानकारी दी गई थी और सभी हितधारकों के साथ इसका जवाब देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस बैठक में दिल्ली पुलिस के 8 आईबी के 12 रॉ के वरिष्ठ अधिकारी एसपीजी और हरियाणा पुलिस के शीर्ष अधिकारी शामिल थे। 2007 में गठित अलगाववादी संगठन एसएफजे एक यूएस आधारित समूह है जो सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करता है। संगठन की मांग है कि पंजाब में खालिस्तान बनाया जाए। एसएफजे ने कुछ दिन पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने को लेकर इनाम राशि को $2,50,000 $2,50,000 तक बढ़ाने की घोषणा की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दिल्ली के अधिकारियों को ये बड़ा इनपुट मिला था। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहाँ चाइनीज एप्लीकेशन पर परमानेंट बैन से बौखलाया ड्रैगन, अपनी कंपनियों से कहा है भारत सरकार से मुआवजे की मांग करो। जी हाँ दोस्तों, सीमा विवाद के बाद भारत द्वारा चीनी कंपनियों के खिलाफ की गई कार्यवाही से ड्रैगन की आर्थिक कमर टूट गई है। सरकार ने शुरुआत में टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप को बैन किया था। चीन को उम्मीद थी कि कुछ समय बाद मोदी सरकार बैन हटा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सरकार ने इन सभी एप्लीकेशन पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, यानी इन ऐप्स की अब भारत में वापसी नहीं होगी। जाहिर है कि ये चीन की कम्युनिस्ट सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत से मिले इस झटके से चाइना बुरी तरह बौखला गया है और उसकी ये बौखलाहट ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में साफ तौर पर नजर आती है। अखबार ने चीनी कंपनियों को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा है कि उन्हें भारत सरकार से मुआवजे की मांग करनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने चीनी कंपनियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद उन पर परमानेंट बैन लगाया है। सरकार के इस कदम से बीजिंग को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने यह सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कदम उठाया है दोस्तों चाइना के खिलाफ, तो आप भी कहिएगा कि हमारा समर्थन है केंद्र की सरकार को। देखते हैं कितने लोग कहते हैं। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से नया अपडेट, कांग्रेस लेफ्ट के बीच 193 सीटों पर हुआ बड़ा फैसला, 92 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और वाम दलों के बीच दूसरे दौर की बातचीत गुरुवार को हुई। अब तक 193 सीटों पर बात हो चुकी है। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों कांग्रेस और वाम दलों के बीच अभी तक हुए समझौते के अनुसार कांग्रेस
92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में दोस्तों बंगाल चुनाव को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, किसकी सरकार बनने वाली है, क्या परिवर्तन आप देखना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में इन सारे सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा, हमें रहेगा आपके एक एक सवाल का बड़े ही तहे दिल से इंतजार। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां चाइना में 14 दिनों की कैद से रिहा हुए WHO के वैज्ञानिक, जिसको लेकर अब शुरू कर दी है कोरोना उत्पत्ति की जांच। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने वुहान पहुंचे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों ने चीन के 14 दिनों के आइसोलेशन को खत्म करके अपना काम शुरू कर दिया है। गुरुवार सुबह उन्हें होटल से निकलकर एक बस में बैठते देखा गया है। ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वे कहां के लिए निकले हैं, लेकिन WHO की ये टीम 14 जनवरी को चीन पहुंची थी। एक और खबर की बात करें दोस्तों, तो इटली से बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों का हमला, जिसको लेकर भारत ने जताई है चिंता। बता दें रोम में भारतीय दूतावास की इमारत में खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की है दोस्तों। इस पर भारत ने इटली की सरकार के सामने चिंता जाहिर की है। भारत ने कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वहां राजनयिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इटली की है। भारत ने आगे कहा है कि ऐसी उम्मीद है कि तोड़फोड़ करने वालों पर कार्यवाही होगी और ऐसी घटनाएं आगे से नहीं होंगी, जैसा कि आप ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए।